दोस्तों आज मैं आप लोगों को हीरो ग्लैमर की एक नया वेरिएंट हीरो ग्लैमर कैनवस जो कि हाल ही में मार्केट में आया है उसके बारे में बताऊंगा। और दोस्तों जो ये आप मॉडल देख सकते हैं आपके सामने, ये है नया हीरो ग्लैमर की कैनवस एडिशन। और ये कैनवस एडिशन आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर में ही मिलेगा। और फिलहाल जो आप मॉडल ये देख रहे हो इसमें आपको ब्लैक के साथ रेड ग्राफिक्स मिल रहे हैं, सेम आपको ब्लैक कलर के साथ येलो ग्राफिक्स के दो कलर्स मिल सकता है। आप अगर चाहे तो इसको फुल ब्लैक में भी ले सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगा है कि इसका कैनवस नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि कैनवस एक ऐसी एक पेपर होता है जिसके ऊपर आप मन चाहे अपने कलर के साथ उसको रंगा सकते हैं, यानी कि आप अपने मन चाहे पेंटिंग उसके ऊपर कर सकते हैं। इसीलिए शायद हीरो ने इस वेरिएंट का नाम कैनवस रखा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत और मैंने ये वीडियो शूट किया है ऑटोस्मार्ट हावड़ा में। शोरूम की पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और इस कैनवस वेरिएंट की अप्रॉक्सीमेटली जो प्राइस हमें मिला है, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस नहीं मिला है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका ड्रम और डिस्क दोनों ही अवेलेबल है। ड्रम का जो प्राइस है वो अराउंड 92-93,000 होगा ऑन रोड कोलकाता अप्रॉक्सीमेटली। और इसका जो डिस्क वेरिएंट है वो 97 से लेकर 1 लाख तक जा सकता है, ये भी मैं अप्रॉक्सीमेट प्राइस आपको बता रहा हूँ। अब इसमें मैकेनिकली कोई चेंज नहीं हुआ है और एक्सटेक और नॉर्मल एडिशन इन दोनों को मिला के ये वेरिएंट बनाया गया है। अब इसमें इंजन और सारी जो स्पेसिफिकेशंस वो बिल्कुल ही सेम है। तो नई चीज़ें आपको दोस्तों दिखा दूँ कि सबसे पहले आप ये जो ग्राफिक्स देख रहे हो ये ग्राफिक्स बिल्कुल ही नया है। और अगर आप इसको एकदम बेस कलर में लेना चाहते हो तो ये आपको सिर्फ ब्लैक कलर में ही मिलेगा। अब इसमें ग्लैमर का जो 3D लोगो आप देख रहे हो ये आपको स्टैंडर्ड ग्लैमर में नहीं मिलेगा, जो कि आपको इधर पर मिल जाता है। साथ ही साथ ये जो ऑल ब्लैक थीम है जो आपको एक्सटेक वेरिएंट में मिलता है वो आपको इसके अंदर भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको दोस्तों जो मिलेगा वो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सिस्टम जो कि कैनवस में दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें आपको मिलता है। और कलर के बारे में अगर देखें तो स्टिकर्स आपको हेडलैम्प काउल, टैंक बैक काउल और टायर के रिम्स पर दिए गए हैं। यानी कि ये जो कलर्स है अगर आप इसको येलो में लेंगे तो ये जो कि आप रेड स्टिकर्स देख रहे हैं ये सारी स्टिकर्स आपको येलो के दो शेड्स में मिलेगा। तो ये है दोस्तों ग्लैमर कैनवस के जितने सारे चेंजेस थे मैं आपको बता दिया। और साथ ही साथ दोस्तों एक और बात कि आपको जो हेडलैम्प है वो LED मिलता है, जैसे कि आपको एक्सटेक में दिखा होगा, यानी कि नॉर्मल जो हैलोजन हेडलैम्प वो नहीं दिया गया है। टायर रिम्स पर भी आपको रेड कलर यानी कि इसके इस वेरिएंट का कलर स्टिकर्स मिल जाएगा। तो यही इसके चेंजेस थे दोस्तों, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। और आपको आगे की तरफ जैसे कि आप देखेंगे एल शेप की DRL मिलेगा और साथ ही साथ LED हेडलैम्प यूनिट मिलेगा और हेडलैम्प यूनिट काफ़ी अच्छा है। इसमें अगर दोस्तों हम इंजन की बारे में बात करें तो सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 124.7 cc का फ्यूल इंजेक्टेड BS6 FI इंजन है और इसमें i3S टेक्नोलॉजी दिया गया है। और साथ ही साथ आपको ऑटो सेल टेक्नोलॉजी एक्सेंस FI टेक्नोलॉजी के साथ ही आता है। पावर आपको मिलेगा 10.73 BHP, टॉर्क मिलेगा 10.6 Nm, सेल्फ और किकस्टार्ट दोनों ही इसके अंदर दिया गया है। और एक 5-speed गियरबॉक्स के साथ साथ आपको डायमंड फ्रेम पूरी गाड़ी में देखने को मिल जाता है। हिल एंड टो शिफ्टर दिया गया है। और दोस्तों बाकी इसमें आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर, ब्रॉडर 100mm बैक टायर, 14% मोर फ्रंट सस्पेंशन, 10% ज़्यादा ट्रैवल वाली पीछे वाली सस्पेंशन जो कि स्टैंडर्ड न्यू ग्लैमर में हुआ था, सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। मीटर कंसोल भी आप देखिए तो सेमी डिजिटल कॉम्बाइन जो मीटर कंसोल है वो दिया गया है। और दोस्तों पूरी गाड़ी में अगर हम और भी चीज़ों की बात करें तो सीट हाइट 793 mm है, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 10 liters का देखने को मिल जाएगा। और इस गाड़ी में आपको दोनों ही ट्यूबलेस टायर्स आते हैं, आगे की तरफ 80 सेक्शन का, पीछे की तरफ 100 सेक्शन का। ड्रम और डिस्क दोनों ही मॉडल में अवेलेबल है। फिलहाल जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये ड्रम वेरिएंट में दिया गया है। माइलेज की अगर बात करें तो 60 km/h प्लस का आपको माइलेज मिल सकता है। ऑल ब्लैक थीम का यूज़ किया गया है कैनवस में, क्योंकि कैनवस का जो बेस कलर है वो ब्लैक में दिया गया है। और आपको इसके अंदर जो अलॉय रिम्स मिलता है ये भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन का अलॉय इसके अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी इसमें एच शेप्ड रियर टेल लैम्प मिलता है और साथ ही साथ ओवरऑल जो राइड क्वालिटी है वो राइड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी तरीके का मिल जाएगा। पिलियन कंफर्ट और साथ ही साथ राइडर कंफर्ट जो है आपको वो आपको ग्लैमर में बहुत ही अच्छी तरीके का पहले से भी मिलता था, अभी भी मिलता है। और इसमें राइडिंग डायनामिक्स जो है यानी कि राइडर ट्रायंगल्स, बैठने की पोजीशन जो है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके का इसके अंदर आपको मिल जाता है। अब दोस्तों पूरी गाड़ी में अगर हम देखें तो आपको कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया 18 इंच के ट्यूबलेस टायर्स आते हैं, आगे की तरफ टेलीस्कोपिक और पीछे की तरफ 5-step एडजस्टेबल सस्पेंशन आते हैं। तो दोस्तों पूरी गाड़ी कुछ इस तरह का है। कैनवस में क्या कुछ नया था मैं आपको बता दिया, बाकी आप बताइए आप इस गाड़ी के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड ऑलवेज राइड सेफ।